फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्रे। और आज मैं अपने दोस्त के साथ हूँ जिसका नाम है मुबशीर। सो आज ये हमें कहीं लेके जा रहे हैं, तो अब ये बताएंगे कि कहाँ हमें लेके जा रहे हैं। वेलकम फ्रेंड्स, चलिए लेट मी टेक यू टू द गल्फ मार्केट टूर। ओके, देयर इज अ फेयर इन कुवैत। कुवैत में एक फेयर लगा है जिसका नाम है गल्फ मार्केट फेयर। ये स्पॉन्सर्ड है एक्सक्लूसिवली फॉर कुवैती एंड कुवैती फैमिलीज। बट चलता है यार भाई, we get passes, we get invitations, so there is invitation, we are more than invited. Thank you bro, thank you. So Befikre family, with Befikre family all you people are invited to the market fair. So chaliye, which is actually where, kahan par hai bhai? To the point, yes, aap batao bhai kahan par hai? It is actually in the cultural center, where aap cultural center ke paas koi bhi entrance enter kar lijiye and just take a right, you will find all the guidelines. Proper cultural center ka naam hai Sheikh Jaber Al Ahmed Cultural Center, जो सिटी में है और बीच साइड से आपको दिखता ही है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो पीछे ही हमारे, आपको पता ही लग गया होगा, यहाँ पर कलर फाउंटेन भी चलते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये शो वहाँ पे लगा हुआ है, ये इवेंट, तो आप लोग भी आ सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। सो बस ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेके चले, लेट्स गो। अभी हो चुकी है हमारी कॉफ़ी, जो हमारे मुबशीर भाई ने खिलाई, और साथ ही साथ था सैंडविच, वॉज रियली नाइस, और डोनट्स। अब थोड़ी पेट पूजा हो चुकी है और अब आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। यस एंड लेट्स गो। फिनिश, देखिए आज मुझे कौन मिले, हमारे सब्सक्राइबर्स। सो आप कुछ कहना चाहेंगे बॉस? आप कुछ कहना चाहेंगे? वेल, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, नून टाइम, एंजॉयिंग, लॉट्स ऑफ फूडी काउंटर्स आर हियर, कम एंजॉय। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। आ चुकी है, काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स देखे हम लोगों ने, बड़े सही लगे। तो बरीटो देखा, थिनिस देखा, और हमारा जिया भी देखा। सो भाई ने शोरमा कॉर्नर भी तो देखा। यस यस, दैट इज अ टर्किश वन। सो आपको भी दिखाते हैं अभी कि क्या क्या हमने देखा। कि हम कुवैत में, ऐसा लग रहा है हम दुबई में आए हुए हैं। बिल्कुल दुबई जैसा माहौल है और लोग काफ़ी वार्म है, खा रहे पी रहे, इंजॉय कर रहे हैं। और ये जो इवेंट है, इवेंट भी एक नंबर का है यार, मज़ा आ रहा है दोनों भाइयों को। तो ऐसे इवेंट अगर भाइयों को मिलते रहे तो क्या कहने, लाइफ बन जाए। बिल्कुल भाई, अब तो बन के ही रहेगी, सवाल ही होता है। बिल्कुल। सो डेफिनेटली आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस टाइप का एक नेक्स्ट इवेंट भी होने वाला है। भाई कब होने वाला है? 8th of February को, और उसकी डिटेल हम लोग मैं अपने कम्युनिटी चैनल पे दे देंगे। तो आप भी इस इवेंट को जब 8th of February में होगा, कौन सी लोकेशन में क्या टाइम पे होगा, हमारी कम्युनिटी से पता कर सकते हैं। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि सारी डिटेल यही और कहीं नहीं। बिल्कुल भाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख तो रहे हैं कि पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और हम लोगों को भी
आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेके आने का मौका मौका दिखाते हैं कि क्या नज़ारा है। मज़ा तो बहुत आ रहा है। और आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन ये लगा हुआ है। और ये कहाँ लगा है ये हम वीडियो में आपको बताते हैं। थोड़ा सा सस्पेंस सस्पेंस तो रखते ही है हम लोग। इस तरह आ चुके हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं जो कल्चरल सेंटर का जो बाहर का व्यू है वो बहुत ही अमेजिंग है। और इसके दूसरी तरफ है भाई लोगों का बीच। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त बीच है। और आगे यहाँ पे हाल ऑफ की भी ना तैयारी हो रही है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हैं मस्त वेदर और फुल क्राउड। बताया कि हालांकि यहाँ तैयारी हो रही है तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारे फ्लैग्स लगा रखे हैं और इन फ्लैग्स के बीच में बहुत ही अच्छी फोटोज़ और रील्स बनाने का हमें मौका मिला जो हमने बनाई है काफ़ी सारी और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हालांकि तैयारी तो बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है पूरे कुवैत में। इसे कुवैत को दोबारा से एक नई दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। और क्यों ना हो भाई, आज़ादी का जश्न है किसी भी देश के लिए तो वो ये उसके गर्व की बात होती है। हैप्पी इंडिपेंडेंस। यस। अगर अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख तो रहे हैं कि पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और हम लोगों को भी आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लेके आने का मौका मिलता है।